हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों के थी व्लॉग नहीं बनाया था, ईद भी चली गई, क्योंकि ईद में पता होगा आप लोगों को बारिश, बहुत ज़्यादा बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था, तो आज मौसम क्लियर है। बाकी बास साहब है, अस्सलाम वालेकुम, ये मुर्तजा साहब है, और अभी हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं अब? यार मरगुजार वाले साहब, मरगुजार वाली साइड पर इसलिए चलते हैं कि बाकी वाली जगहों में रश भी बहुत ज़्यादा है, और ये जो बारिश ही बहुत ज़्यादा हुई है इस वजह से ये पहाड़ी इलाकों में नहीं जाएंगे आज, फिर जाएंगे। तो अभी रवाना होते हैं और फिर मिलते हैं वहाँ पर। रश बहुत ज़्यादा है यार, रश बहुत ज़्यादा है, रश बुरा क्या नहीं है आज, क्या करें अब, क्या करें, तो वापस भी नहीं जा सकते, थोड़ा पता भी नहीं चल रहा कहाँ तक है रश, आगे रश बहुत ज़्यादा है यार। अब यार बस आराम आराम से आगे बढ़ते रहो, वापस भी आना है ना, ये भी एक टेंशन है। तो हो जाएगा, आज सारे लोग निकले हैं ना दूर पे आज। हाँ वो बारिश थी ना, आज दिन बारिश हो रही है। देखो ये अलग, ये अलग क्लियर है, लेकिन वो अभी भी पड़ी है ना, वो ये मेरे ख्याल से ताज़ा और हुई है वो, तो नहीं हुई, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भगवान आ जाए। काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई है यहाँ पर, पूरा पहाड़ गिर गया है आज, शुक्र है बारिश नहीं हो रही। ये देखो बिल्कुल ऐसा ना हो, हम उस साइड से आ रहे हैं और ये सारा ही बंद हो जाए यार, ये भी हो सकता है वैसे, क्योंकि अभी और रोड गिर रही है ना ताज़ा, अल्लाह खैर बस। फाइनली पहुंच चुके हैं वाइट पैलेस बरगुजार, रश चेक करो यार, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, कितने लोग आए हैं महाराज इधर। फाइनली पहुंच चुके हैं वाइट पैलेस बरगुजार, काफ़ी रश था, गाड़ी तो हमने अच्छी जगह पे पार्क की, अब जा रहे हैं ऊपर होटल का हमें। अंदर तो इतने लोग नहीं है, लोग किधर गए हैं यार, ये मन मसला जो है ना टिकट का है, काफी लोग जो है ना ये नहीं खरीद रहे, ये नीचे जगह बनी है। अच्छा वो वाले जो उस साइड पे जा रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, लोग आए हैं पिक्चर वगैरह खींच रहे हैं। हम पहले भी इधर आ चुके हैं वैसे, इतना ज़्यादा हम दिखा नहीं सकते, हाँ बहुत दफा आए हैं, तो अब फिर से अंदर वाली जगह पर जाते हैं यार, इधर तो कुछ है नहीं, ठंड है बहुत, इधर सिर्फ हिस्ट्री है वही दिखाना है, वो मैंने पहले भी दिखाया था वैसे, वो फिर से दिखाते हैं, जिसने नहीं देखा होगा आज देख लेंगे, ठीक है। स्वाद वाली हिस्ट्री है सारे, ये शॉपिंग वगैरह यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, हाँ हैंडमेड है, हैंडीक्राफ्ट्स,
आइए। तो अभी हमने यहाँ से एनक ले लिए, हो गया खरीद लिया। शुक्रिया भाई जान, थैंक यू। ये मैंने पहले दिखाए हैं सारे, ये यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए जूस दिए जाएंगे। ये ले लो पकड़ो, एक मुझे दे दो, एक इसको दे दो। ये किस चीज़? ये दे दिए इन्होंने रिफ्रेशमेंट के लिए, एक्सपायर तो नहीं है। पच्चीस है, 2025 से मिलेगा, 24 है। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है ना, ये रेस्टोरेंट है। बुफे वगैरह इधर लगे या खाली पड़े? चलो चेक करते हैं, हम तो भूख लगी है। खाली है, सारे खाली है, सारे खाली है। आ जाओ मैं आप लोगों को स्पीच देता हूँ, एक मिनट आओ, तुम मेरा स्पीच रिकॉर्ड करना है, ठीक है? सही है, पकड़ो, मैं ऊपर जा रहा हूँ स्पीच देने के लिए। The Prime Minister Imran Khan is now on stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. मेरे पाकिस्तानियों, लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये भी क्लिप्स ले रहा है। तुम भी व्लॉग शुरू करो, व्लॉगिंग शुरू करो। मैं कर दूंगा तो फिर तुम्हारे जो सारे जो टेंशन है वो बढ़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया। चलो यार वो उस साइड पे चलते हैं, नीचे वो थोड़े वो बहुत वो हिस्टोरिकल चीज़ें भी दिखाते हैं और फिर चलते हैं, ठीक है? कोई और रास्ता नहीं है? ये वाला रास्ता है ना, इधर आओ, ये वाला भी बाहर जाते हैं। वैसे वो चीज़ें हमने अंदर दिखानी है। मियां गुल अब्दुल वदूद, किंग ऑफ स्वात। ये सारे जो हिस्टोरिकल पिक्चर्स वगैरह हैं वाली स्वात के, किंग ऑफ स्वात जो पहले थे, करेंसी स्टेट्स ऑफ स्वात सबसे। ये गाड़ी म्यूजियम में है, स्वात म्यूजियम में गाड़ी खड़ी है अभी भी। चलो बाहर वाली जगह पे चलते हैं। ये भी कोई एरिया है, पता नहीं कौन सा एरिया है। ये क्या है? बॉनफायर, फेमस इवेंट ऑफ व्हाइट पैलेस। अच्छा, ये मेरे ख्याल से अभी वाले ज़माने में अभी आजकल हुई है। अब चलते हैं बाहर वाले जगह पर। पहाड़ों के दामन में वाकई स्वात पैलेस, इसको वाइट पैलेस भी कहा जाता है। इसमें पूरी जो हिस्ट्री इसकी मैंने पिछले वाले व्लॉग, एक व्लॉग पढ़ा है वाइट पैलेस नाम से, उसमें मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है। वैसे हिस्ट्री के लिए अगर जानना है कुछ, वो वाला व्लॉग देख लीजिएगा लोकेशन वगैरह के लिए। बाकी आज हम वैसे ही देखने आए थे क्योंकि ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, और बाकी भी जो मौसम है बहुत ही ठंडा होता है गर्मियों में, और सर्दियों में और भी ठंडी होती है क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती है। तो यार अभी बहुत घूम लिया, अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि टाइम काफ़ी लेट है, हमने घर में भी जाना है, इस वजह से हम अभी जल्दी जा रहे हैं। इधर आओ, थोड़ी बहुत मैं ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पर एक पहली बार में मैं आ चुका था, यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी पड़ी है।